वेलकम बच्चा पार्टी। आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी गुड ट्रिक्स टू यू। जिस टाइप के क्वेश्चंस एससी वर्मा में या एरोडोप्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि एक पुली होती है, फिर एक पुली है, उस पर दो ब्लॉक है, हर एक का इंडिविजुअल एक्सिलेशन बताइए, उसके लिए हमें ट्रिक्स पर जाना है। और अगर इसको अच्छे से पूरा देखते हो और समझते हो तो ये मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को 30 सेकेंड और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व करोगे। तो लेकिन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है अपनी प्रीवियस वो नॉलेज जो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, उसमें क्या है, मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि दो ब्लॉक हैं जिसमें M2 का मास M1 से बड़ा है और ये एक पुली पर देखो बने हुए हैं। ये M2 है, ये M1 है। पुराना जो हम पढ़ते थे, M2G विल एक्ट इन डाउनवर्ड, M1G विल एक्ट इन डाउनवर्ड। इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 देन M2 विल मूव इन डाउनवर्ड विद एक्सिलरेशन ए एंड M1 ब्लॉक विल मूव अपवर्ड विथ एक्सिलरेशन ए एंड आई एम गोइंग टू कंसीडर पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर आइडियल। तो उस टाइम पर हमने जो ट्रिक बात की थी और कॉन्सेप्ट में लिखा था कि जब हम इस टाइप से एक्सिलरेशन सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस इन वेट अपॉन टोटल मास हम यूज करते थे। तो M2G माइनस M1G क्या है, डिफरेंस इन वेट है। M2G नीचे की तरफ और M1G ये, तो यहाँ तक हमने निकाल दिया था कि M2 माइनस M1 इंटू जी M1 प्लस M2 और T0। यहाँ तक की स्टोरी हम कर चुके हैं कि अगर मुझे इस अरेंजमेंट का टेंशन निकालना है तो 2 M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू जी होगा और एक्सीलरेशन होगा M2 माइनस M1 M1 प्लस M2 इंटू जी होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने इस जी को कर दिया इफेक्टिव और इस जी को कर दिया इफेक्टिव। ओके, ये जो टेंशन का फॉर्मूला लिखा है वो स्ट्रिंग की यहाँ पर टेंशन है T0 और यहाँ पर है T0। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने भी अरेंजमेंट बना दिए जाएं, अगर उन अरेंजमेंट को मैं सिंगल मास में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा। मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पर मैं टेंशन जानना चाहता हूँ सपोज टी। तो देखो, अगर ये T0 है और ये T0 है और आप यहाँ पर टी निकालना चाहते हो तो दोनों डायरेक्शन में देखिए, ये T0 है और ये T0 है, तो यहाँ पर टी का वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ T0 यानी एट द पॉइंट ऑफ हिंज जहां पर ये लटका हुआ है, तो उस पॉइंट का टेंशन होगा 2 टाइम्स ऑफ T0, राइट। अब T0 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 M1 M2 G M1 प्लस M2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा यानी 4 M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और इनटू होगा जी इफेक्टिव। अब मैं इसको अगर सिंगल मास बनाऊं, जैसे मैं सिस्टम को रिड्यूस करूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि M1 M2 मिला के जो सिंगल मास बनेगा वो म्यू बनेगा। ये हमने कंसीडर किया, उसको कोई रोक भी नहीं सकता कंसीडर करने से। तो ये म्यू वो सिंबल है जिसको आज से बोलोगे रिड्यूस मास, इक्विवेलेंट मास या फिर इफेक्टिव मास। अब इसको बनाओगे कैसे, देखो जब यही सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट का जो टेंशन टी होगा वो ये वाला टी और जो हमने यहाँ पर टी लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन लिखूं और ये सिस्टम रेस्ट में मान के चलूं तो इसका टेंशन क्या होगा, ये इफेक्टिव मास जो मैंने कंसीडर किया है और इंटू जी, जी क्या होगा इफेक्टिव, ये बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो ये अरेंजमेंट है उसी का तो मैंने ये माना हुआ है, ये ठीक उसी टाइप से है जैसे हम रेजिस्टेंस सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो वहां पर रेजिस्टेंस का बोलते थे ना इक्विवेलेंट बना लो फिर उसको कंपेयर कर लो, मान लो सारे रेजिस्टेंसेस हट गए उसकी जगह सिर्फ एक आ गया, तो उसी टाइप से इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट राइट इक्वल कर दो, 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और देखिए जी इफेक्टिव इसमें भी यही ले लो, यहाँ पे लिखोगे म्यू और जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव से जी इफेक्टिव कैंसिल हो गया तो रिड्यूस मास लिखने का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 4 M1 M2 और M1 प्लस M2। ये क्या रोल प्ले करेगा अभी पता चलेगा। ये हमने क्या किया है कि अगर दो मास हैं M1 और M2, उसको एक मास में बनाना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, इफेक्टिव मास बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, 4 टाइम्स M1 इंटू M2 और M1 प्लस M2।
अब देखते हैं इससे आगे, और ये था हमारा डिस्कशन का पॉइंट नंबर वन। अब हम लोग चलते हैं नंबर टू पर। हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जो रिड्यूस मास कभी भी लिखना होगा तो फोर टाइम्स ऑफ एम वन एम टू और एम वन प्लस एम टू करोगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि जैसे मेरे पास कभी एक पुली होगी और उसका मास यहाँ पे 2 kg दिया है, यहाँ पर 4 kg दिया है, ठीक ऐसे बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दूँ, मैं दो पुली यानी दो ब्लॉक नहीं देखना चाहता, मैं इसकी जगह एक देखना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा रिड्यूस करो, जब आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सिबरमाई रोडो से तो बोलूंगा। तो अब आपको पता है कि 4m1 m2 ये बना हुआ है, m1 हमारा ये है, m2 ये है। देखिए कितनी जल्दी, 4 times 2 into 4 m1 plus m2 यानी 2 plus 4। अब देखना ये 64 होगा, ये 6 होगा। अब मैं इसके आगे अभी सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम है तो ये रिड्यूस मास आप बना लोगे, ठीक। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट, पूरा कंसेप्ट पहले मैं डिस्कस करूंगा फिर इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ये जो लिखा हुआ है अगर मैं इसको रिसिप्रोकल करके लिखूं तो ये लिखूंगा 1/μ और यहाँ पर होगा m1 plus m2 डिवाइड बाई 4m1 और m2, हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा m1 upon 4m1 m2 प्लस में आएगा m2 4 times of m1 m2। अब देखना m1 से m1 m2 से m2 कैंसिल हुआ, 1/4 को कॉमन ले लो और इस साइड में लाके रख दो, तो ये होगा 4 upon μ 1 upon m1। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ये रिलेशन भी प्रूव करवाया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इक्विवेलेंट मास बताइए, और इक्विवेलेंट मास का यूज SHM और आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा होगा। एक स्प्रिंग अगर आइडियल लगा दी जाए ना, आइडियल स्प्रिंग, तो वो बन जाएगी स्ट्रिंग, और दो मास उसमें दिए हैं, तुम दोनों को एक बनाना चाहते हो तो इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, टाइम कैसे बचेगा, मान लो ये रिलेशन हमें आता है रिड्यूस मास का, दो मास को सिंगल बनाने वाला। अब कभी ऐसा हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि m1 का वैल्यू m2 के इक्वल है, मान लो m, तो राइट हैंड साइड में जब यहाँ m रखोगे यहाँ m रखोगे तो ये बनेगा 2 upon m और ये होगा 4 upon μ, 2 से यहाँ पे कैंसिल करो तो रिड्यूस मास किसी भी एक मास का डबल कर दो। आ गया पहला केस ये। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो कभी ऐसा दिया जाए या हम ऑब्जर्व करें कि m1 का मास m2 से बहुत बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा वर्ड क्या है, फिजिक्स में एक वर्ड बहुत आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई सिटी नहीं है, कोई जगह नहीं है कि वहां पे जाओगे तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे। इनफाइनाइट इट इज ए रिलेटिव वर्ड, मतलब इफ यू आर हैविंग टू बॉडीज या टू लेंथ टू मासेस, वन इज फॉर एग्जाम्पल 100 kg, सेकेंड वन इज 1 kg, तो 100 kg वाला मास 1 kg के रिलेटिव में इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी इनफाइनाइट टोटली एक रिलेटिव वर्ड है, बहुत बड़ी चीजों को छोटी चीज से कंपेयर करोगे तो बड़ी वाली चीज यू कैन ट्रीट एज ए इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि m1 बहुत बड़ा है तो दो मेथड है, या तो मैं m2 को निग्लेक्ट कर दूं या फिर m1 को इनफाइनाइट मान लूं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो देखना 4 upon μ, m1 हमारा इनफाइनाइट हो गया और m2 अपनी जगह है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो म्यू की वैल्यू आएगी 4 times of m2। इससे हमें क्या फायदा होगा, मान लीजिए कभी कोई ऐसी दो पुली या ब्लॉक सिस्टम में दिया है, जैसे मैं यहाँ करके बता दूं छोटा सा एग्जाम्पल, कि एक कोई भी अरेंजमेंट या कभी भी फ्यूचर में ऐसा होता है कि m1 का मास 100 kg दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 500, इतना तो होगा नहीं, इसके डेटा पे नहीं जाना है, ये जस्ट इमेजिनेशन थोड़ा समझने के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg ऐसे, और मुझे इसका टेंशन बताना है कहाँ पर, ये ऊपर टॉप पे ऐसे। तो टेंशन बताने के लिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर इसके टी नॉट यानी टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग का, फिर उसको डबल करेंगे तब वो टेंशन आएगी। लेकिन अगर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है तो हमें पता है कि इसका टेंशन सिंगल बना लो, इसको
सिंगल बनाओगे, यानी ये एक सिंगल मास बन गया, ये टेंशन हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिंगल मास होगा कितना, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए अब M1 बहुत बड़ा है, M2 बहुत छोटा है, मतलब क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ छोटा वाला मास। जैसे तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 टाइम्स ऑफ M2 और N2G, ये कहाँ से आया, मैंने अभी बताया कि एक मास बड़ा है तो छोटे वाले का 4 टाइम्स कर देना। तो अब ये आंसर देखना, 4 लिखोगे, M2 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे G लिखोगे, तो ये टेंशन कितनी जल्दी हमारी निकल आएगी। तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट हमें ऐसे भी आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। अब इसमें हमने जो भी डिस्कस किया, अब देखते हैं पहले एस सी वर्मा के डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है, सबको डाउट रहता है, बहुत बार बार पूछते हो, कई बार मैसेज किया कि सर ये वाला बता दो। अब देखना, इसमें ये है एस सी वर्मा बुक का डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया हुआ था कि 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1, M2, M3 आर कनेक्टेड एज शोन, ऑल द सर्फेसिज आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है, एंड द स्प्रिंग एंड द पुलीज आर लाइट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1, इसका एक्सेलरेशन बताइए। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, डिफिकल्ट इसलिए है कि ये वाली पुली हमें परेशान कर रही है, अगर यहाँ पर एक सिंगल मास आ जाए तो कैसा रहेगा। अब देखना, जो बच्चे जानते हैं वो तुरंत क्या करेंगे, म्यू इक्वल 4 टाइम्स ऑफ M1 कितना है, M2, M2, M3 और M2 प्लस M3। अब देख लो, अब ये पूरा मास हमारे लिए एक सिंगल मास बन के रेडी हो गया। जैसे ही हमने रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट लगाया, अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्सीलरेशन निकालने का जो मैंने बेसिक बताया था वही यूज करो, डिफरेंस इन वेट अपॉन टोटल मास। अब डिफरेंस इन वेट क्या होगा, तो एक मास तो आपके पास ये है पूरा, तो यहाँ पर लिख दो 4 टाइम्स ऑफ M2 M3 डिवाइड बाई M2 प्लस M3। डिफरेंस इन वेट, यहाँ पर जो वेट है M1G, ये तो टेबल ने बियर किया हुआ है, नॉर्मल के साथ एडजस्ट है, तो इसके लिए तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और कॉमन में क्या लिखोगे, जी, क्योंकि वेट तभी बनेगा। अब देख लो टोटल मास क्या होगा, 4 M2 M3, आपका एक मास बन चुका है M2 प्लस M3, और प्लस टोटल मास यानी M1। अब ये देख लो, अब इसको अगर हम सॉल्व करना भी स्टार्ट करें पूरा, तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, देखो क्या आएगा, 4 M2 M3 ऊपर आएगा, यहाँ पर M2 और M3 को ऐसे लिख दो, M2 प्लस M3, ये वाला जी मत भूल जाना, यहाँ जी होगा, नीचे वाले पोर्शन में एलसीएम लेना है, तो देखना 4 M2 M3 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या होगा, M1 M2 प्लस M1 M3, और यहाँ पर हम एलसीएम क्या लेने वाले हैं, ये रहा आपका एलसीएम M2 प्लस M3। अब इन दोनों को आपस में काट दो। अब इसके बाद A इक्वल, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैं जल्दी से बता दूँ, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ ये वाला मास सिंगल मास में कन्वर्ट किया, पुराना वाला कॉन्सेप्ट डाला, M2G, M1G और टोटल मास, और देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए। तो अगले वाले पेज में इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे एलसीएम जो अभी हमने लिया था उसमें क्या आया था, उसमें आया था 4 M2 M3 और G, अपॉन में था 4 M2 M3 प्लस M1 M2 प्लस M1 M3, यही निकाला था हमने। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को नीचे ले जाऊं तो देखना क्या होगा, जी अपॉन, यहां लिखोगे 4 M2 M3 डिवाइड बाई 4 M2 M3 प्लस M1 M2। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फिजिक्स तो कब की खत्म हो गई बच्चा, पार्टी है ना, M1 M3 डिवाइड बाई 4 M2 M3। अब देख लो, यहां से M2 M3 M2 M3, 4 4 सब कैंसिल, M1 M2 नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा जल्दी में हूं मैं, M2 से M2 कैंसिल होगा, M3 से M3 कैंसिल होगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी जी अपॉन, यहां से आएगा 1 प्लस, इसमें से देख लो 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, अंदर क्या मिलने वाला है, 1/M3 ओनली, एक सेकेंड,
जी कुछ ज्यादा जल्दी में हूँ। M3 यहाँ पे, M1 मैंने काट दिया था, ये कैंसिल नहीं होगा, बच्चा लोग ध्यान रखना ठीक। M1 प्लस यहाँ पर भी बचेगा M1 अपॉन M2। ये अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा G अपॉन 1 प्लस M1, भी कॉमन ले लो, अपॉन 4 होगा, और डिवाइड बाई 1 अपॉन M3 प्लस 1 अपॉन M2। मतलब मेरा कहना यह था कि ये क्वेश्चन इतना परेशान कर रहा था, पर हमने इसको कैसे किया। अब इसी का एक और एग्जांपल लो, तो चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम SCB है ना। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि तीन मासेज हैं M1 M2 M3, फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ M1 M2 M3 द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली। एक इस क्वेश्चन का अलग पार्ट था कि जो स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 से जो यहाँ पर ये स्ट्रिंग दिया गया है, इसका पूरा सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर इसको रेस्ट से छोड़ेंगे तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक द पुली। तो ये M1 पुली को कब टक्कर मारेगा, ये प्रॉब्लम थी। हम लोग इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में कितनी जल्दी कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये दो पूरा सिस्टम यहाँ पे दिखाई दिया, तो मैं अपने पहले स्टेप पे जाऊंगा। इसको मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि इतना लेंथी डायग्राम दिखे, तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ। म्यू इक्वल क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ M2। M2 का वैल्यू देखिए 2 kg है, अब मैं डायरेक्ट चलूंगा 2। M3 का वैल्यू हमारे पास 3 है, और यहाँ पर M2 प्लस M3 यानी 2 प्लस 3 होगा 5। तो रिड्यूस मास 24/5 kg, ये लीजिए। अब ये पूरा सिस्टम जो हमारे पास बनकर आएगा वो एक सिंपल सा प्रॉब्लम बन जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास म्यू बन गया, और म्यू का वैल्यू कितना है, 24/5 kg आ गया ना, और M1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 kg। अब मैं अगर इसका एक्सिलरेशन निकालूं तो कितनी देर लगेगी। एक्सिलरेशन का मतलब होता है डिफरेंस इन वेट, तो डिफरेंस इन वेट के लिए रिड्यूस मास का 24/5, 1 kg से इसको माइनस करो, जी से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर होगा टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, 24/5 + 1। अब देखो जैसे ही इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे जाओगे, देखिए 5 ऊपर जाएंगे, 24 से 5 माइनस करोगे 19 आएगा, 5 यहाँ भी एलसीएम होगा, यहाँ भी एलसीएम होगा, 5 से 5 कैंसिल, और ये 5 24 से ऐड होंगे तो 29 बनेगा, यानी 1 मिनट में 19g/29। ये देखिए ए आ गया हमारे पास। अब सोचो ये ए है किसका, ये जो हमने एक्सीलरेशन निकाला रिड्यूस मास के बाद, ये हमारे M1 ब्लॉक का A1 आ गया। तो देखिए A1 हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि A1 का एक्सीलरेशन कितना होगा अगर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आता है तो। अब लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, मुझे M2 का एक्सीलरेशन बताना है, M3 का बताना है। अब जरा सोचो कि जो ये M2 है और एक आपके पास M3 है, ये मान लीजिए स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब M3 और M2 में दोनों में किसका मास ज्यादा है, तो M3 का वैल्यू है 3 kg। यानी अगर मैं इस इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में सोचूं, सिर्फ किसके बारे में, M2 और M3 के बारे में, इसके और इसके बारे में, तो इसका इंडिविजुअल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे और कितना होगा, उसके लिए थोड़ा सा सोचना होगा। देखते हैं, तो इसको यहाँ पे पूरा एक सेकेंड, तो डायग्राम नहीं बन पा रहा था बच्चों, देखो अब ये बन गया। जैसे ये 2 kg और 3 kg है, हमने अभी A1 एक्सीलरेशन निकाला बहुत जल्दी। अब सोचो कि जब ये M1 वाला ब्लॉक यानी यहाँ पर था, जब ये ऊपर जाएगा तो उसी स्ट्रिंग से ये वाला सिस्टम कनेक्ट है, तो यानी A1 एक्सीलरेशन इसमें होगा नीचे की तरफ। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि M1, M2, M3 के इंडिविजुअल पर्सनल एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो उसके लिए M1 निकाले में तो हमने रिड्यूस मास यूज किया, अब देखना है स्पीड में। अगर मैं इसका सिस्टम का एक्सीलरेशन पूछूं, मान लेते हैं कि वो A0 है, क्यों, तो M3 थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि ये M1 से कनेक्ट नहीं है, तो A0 का एक्सीलरेशन कितना होगा, डिफरेंस इन वेट यानी 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2। यहां पर मैंने एक चीज और बताई थी, इफेक्टिव जी लिखना है। तो सोचो
इफेक्टिव जी का वैल्यू तो ये जी है, पर अब ये जो A1 इसके साथ कनेक्ट है, जैसे ही M1 पुली की तरफ बढ़ा तो राइट हैंड साइड वाला सिस्टम नीचे की तरफ आया। कितने एक्सीलरेशन से आया? A1 से आया। तो जब हमें ये पता है कि जो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 जी होता है, वो जी इफेक्टिव होता है, और जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब नीचे आता है तो इफेक्टिव होता है जी माइनस है, जब ऊपर जाता है तो होता है जी प्लस है। अब ये पूरा अरेंजमेंट नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ जी माइनस A1 करना है। अब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा? 3 - 2 1 होगा, ये तो हो गया 1/5। ठीक, अब जी और माइनस एक वन का वैल्यू ये निकला हुआ है, ये है 19g/29। इसको जरा सॉल्व करो तो 90 जी कॉमन ले लेंगे, 19 29 से 19 माइनस करोगे तो 10g आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10 होता है, तो ये 2g/29 आ गया। ये आया क्या है? ये एक्सीलरेशन आया है इस वाले पूरे सिस्टम का। अब हम अगले वाले पेज पे चलते हैं। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें A0 नहीं बताना था, हमें इंडिविजुअल एक्सीलरेशन बताने हैं। तो M1 का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखो, ये ऊपर है A1, अब ये M2 है, और यहां पर मैं बना देता हूं M3 को। थोड़ा समझना, M3 का वैल्यू था 3 kg, तो ये नीचे की तरफ जाएगा किस एक्सीलरेशन से? जो मैंने अभी 2g/90 निकाला हुआ है उससे, और ये वाला ब्लॉक जाएगा ऊपर। ये A0, अगर मैं इसको A0 मानता हूं तो ये भी A0 होगा। अब मुझे ये A0 एक्सीलरेशन तो M2 M3 के अरेंजमेंट का है, पर क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इनके इंडिविजुअल एक्सीलरेशन बताइए। तो अब A1 ये है, A2 इधर जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन जो A2 होगा वो कैसे निकालोगे? तो A2 मुझे रिलेटिव निकालना होगा। ध्यान से देखो, M2 का जो एक्सीलरेशन है सिस्टम की वजह से वो ऊपर की तरफ है, A1 का भी ऊपर की तरफ है, तो ये होगा A1 - A0। A2 का रिलेटिव एक्सीलरेशन M1 के साथ, तो A1 - A2। अब A1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था? 19g/29। A0 मैंने अभी निकाला है और वो था 2g/29। अब देखो यहां से g/29 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 19 - 2 यानी 17, तो ये 17 हो गया। इसका आंसर हुआ 17g/29 m/s² प्लस आया है, मतलब ऊपर की तरफ। देखो सॉल्व हो गया। इसी टाइप से अब मान लो मैं जानना चाहता हूं इसका एक्सीलरेशन क्या है, तो A0 आ रहा है नीचे और A1 जा रहा है ऊपर। अब ये दोनों एक्सीलरेशन, फिर एक बार, A2 तो अलग चीज है, A0 है क्या? M2 M3 का इंडिविजुअल जो अलग से अरेंजमेंट बना था उसका एक्सीलरेशन है, जिससे M2 ऊपर जाता है M3 नीचे आता है, पर मुझे M3 का इस सिस्टम में अलग से एक्सीलरेशन बताना है, तो उसकी डायरेक्शन मैं देखूंगा A1 के साथ। तो A1 है ऊपर और A0 है नीचे, जब इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालोगे तो वो आपको वैल्यू देगा A3। A3 मतलब M3 वाले मास का एक्सीलरेशन, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव करोगे तो A1 + A0 आएगा। अब A1 A0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ये देखो, यहाँ पे आपने माइनस किया था, अब इसको यहाँ माइनस की जगह क्या कर देना है? प्लस, यानी 19g/29 प्लस कितना? 2g/29। जब दोनों को ऐड करोगे तो 21g/29। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन निकाल दिए। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, एक और बचा हुआ है, उसमें पूछा गया था कि M1 कब टकराएगा, तो ये तो अब छोटी सी चीज है। यहां पर M1 था हमारा, ये वाली डिस्टेंस हमें दी गई थी 20 cm, है ना? तो अब बताओ, अगर टकराने के लिए मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ s = ut + ½ a1t²। u ये रेस्ट से चला था, 1/2 लिखोगे। a का एक्सीलरेशन जो हमने निकाला वो कितना था? वो था 19g/29 और यहाँ से t². जब इसको कैलकुलेट करोगे, अब आ गया आप लोगों का काम, तो वो आएगा 0.25 सेकेंड। तो इस टाइप से हमने ये देखो क्वेश्चन निकाला। अब देखो इसी कंटिन्यूएशन में इसका क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ था, उसमें कहा गया था कि इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम M2 का वैल्यू दिया है 2 kg, M3 का वैल्यू दिया है 3 kg, तो ये वाला मास यानी M1 कितना होगा कि ये सिस्टम रेस्ट में रहे।
तो एक सिंपल सी बात है, अच्छा बताओ यहाँ पर जो टेंशन है, अगर वही टेंशन यहाँ पर भी हो, तो दोनों तरफ अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि यहाँ पर भी टेंशन टी है और इस तरफ भी टेंशन टी है, तो आप लोग बोलोगे ना कि जब दोनों तरफ से टेंशन इक्वल लगेगा तो ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, मतलब वही हुआ ना। एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे टेंशन निकालूं तो मैंने क्या बताया था, म्यू जी कर दिया करो। अब म्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 टाइम्स ऑफ ये 2 kg, M2 और M3 यानी 3 डिवाइड बाई M2 + M3 यानी 2 + 3, तो ये होगा 24/5, 5 × 4 = 24.8 kg। अब ये वाला टेंशन यहाँ पर इतना आ गया, तो इस तरफ का टेंशन कितना होना चाहिए, T = mg। ये हमारा इक्वेशन 1 है, और जो हमने अभी टेंशन निकाला वो कितना निकाला, 4.8, और यहाँ पर जी, क्योंकि जी का मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू का वैल्यू तो हमारा 4.8 है, लेकिन जी भी तो लिखना है साथ में, यहाँ भी जी यहाँ भी जी। तो अब देखो दोनों तरफ कंपेयर कर लो, ये होगा mg 4.8 × g, जी से जी कैंसिल हो गए, तो मास का वैल्यू आ गया 4.8 kg। कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमने क्या देखा, ये एम तभी रेस्ट में रह सकता है कि जितना ये ऊपर की तरफ ये टी लग रहा है, यहाँ पर भी दोनों साइड के टेंशन इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमें सरदर्द कौन दे रहा था, ये वाला सिस्टम, तो क्यों ना मैं इसको सिंगल मास बना लूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा, इधर भी एम इधर भी एम, तो आराम से सॉल्व कर लोगे, तो ये हो गया। अब इसी के साथ एक और देखो, अब मान लो कि SC वर्मा से जो हमने क्वेश्चन सीखा उसको कोई पेपर बनाए या मैं बनाऊ, उसको थोड़ा एडवांस के लिए एडवांस और टफ कर दू, तो क्या करूंगा, डेटा वही लूंगा। देखिए M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, वही डेटा लिया है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस M का वैल्यू क्या होगा कि ये सिस्टम रेस्ट में रहे, तो जिस बच्चे के पास ये कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पे बोले अगर मैं यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में सिंगल मास बना लूँ तो हमारा काम हो जाएगा, तो पहले इसका रिड्यूस मास निकालो। अब देखना ये है 2 kg, तो कैसे लिखोगे इसको, 4 times of M2 यानी 2, अगला होगा M3 यानी 3, अपॉन करेंगे M2 + M3 यानी 2 + 3, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 8 यानी 24/5 kg आ गया। अब ये वाला सिस्टम हमारा ऐसे बन के आ जाएगा, यहाँ पर एक मास रह गया और एक मास यहाँ बचा जो ऑलरेडी 1 kg दिया हुआ है, ये वाला मास आपका कितना हो गया है, 24/5 kg, और यहाँ से ये कनेक्ट है, ये हमारा पॉइंट है टी, जहां पे मैंने टी लिखा हुआ है। अब मैं इसको फिर से रिड्यूस मास में कन्वर्ट कर दूंगा, तो देखना M1 हमारे पास अब कितना है, 24/5, M2 कितना है, 1 kg, और फॉर्मूला होता है 4 times of M1 M2, M1 + M2, तो इसको 4 times से मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड किससे करोगे, M1 + M2, M1 है 24/5 + 1, इसको ऐड करो, तो जैसे ही इसको पूरा ऐड करोगे तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 24 × 4 कितना होगा, 96 यानी 96/29, ये देखिए आपके पास मास आ गया। अब अगर मैं फॉर्मेलिटी ना भी करूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये मास कितना होना चाहिए, 96/29 kg होना चाहिए। कितना टाइम लगा, 30 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं। हाँ इसको फॉर्मेलिटी में दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँ टी इक्वल म्यू जी होगा, इसको मैं लिखूँ टी इक्वल एम जी होगा, फिर दोनों को कंपेयर करूँ, जी से जी कैंसिल करूँ, यानी वो सारी कहानी करता रहूँ और ये होता रहेगा। अब सोचो इसमें अगर एक प्रॉब्लम और ऐड कर दी जाए, इसी में मैं बता देता हूँ, टाइम बचेगा, ये मास यहाँ पे ना दिया जाए, ठीक सेम क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटा दिया जाए, इतना मैंने पोर्शन हटा दिया, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया ऐसे और एक पर्सन को खड़ा कर दिया और पूछा कि ये बताओ ये पर्सन कितना फोर्स अप्लाई करे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। कौन इक्विलिब्रियम में रहे, इसमें क्या इक्विलिब्रियम में रहे, ये मान लो इस पुली का कोई नाम दे दो, चलो ये पी है, तो पी रेस्ट में रहे तो मैं यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई करूं। अरे तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो फोर्स नीचे लगेगा वो म्यूजी ही तो लगेगा, यानी ये डायग्राम ऐसा ही तो होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो टेंशन में म्यूजी के इक्वल होगा, और यहाँ पर पर्सन लगाएगा एफ, अगर उसको रोक के रखना है तो साफ बता रहा है कि फोर्स जो लगेगा
वो टेंशन के इक्वल होना चाहिए। अब टेंशन कितनी है, म्यू जी है, म्यू हमारे पास कितना है, वो है 96/29। इसमें सिर्फ जी से अगर मैं और मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये मैं फोर्स बता सकता हूं कि कितना होना चाहिए। मान लो इसी में ये वाला पोर्शन इसमें नीचे की तरफ चलने लगे, ए एक्सीलरेशन से चलने लगे, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप्स के अब इसमें जो हमने अभी किए हैं पुली वाले क्वेश्चंस, अगले वाले वीडियो में एक और डालूंगा जिसमें बताऊंगा इनफाइनाइट पुली लगी हो तो कैसे सॉल्व करोगे। थैंक यू।